नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डाउ थ्योरी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी। डाउ थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था मिस्टर चार्ल्स डाउ ने लेट 19th सेंचुरी में। अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो तो आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। डाउ जोन्स जो कि एक इंडेक्स है और हम इसे सुनते रहते हैं, ये अमेरिका में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि मिस्टर चार्ल्स डाउ ने ही क्रिएट किया था। ये डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस के भी को फाउंडर है, जिसे हम वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डाउ थ्योरी को टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। मैं अभी आपके साथ डाउ थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा। द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। एक टेक्निकल एनालिस्ट ये कहता है, शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज। अगर आपको चार्ट की एनालिसिस अच्छे से आती है तो आपको न्यूज जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अर्निंग्स क्या है कंपनी की, ये सबसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से अपने आप को पहले ही एडजस्ट कर लेगा जैसी न्यूज आने वाली हो। द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ऑल नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन इज रिफ्लेक्टेड इन द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। मैं रिपीट करता हूं इस स्टेटमेंट को, ऑल नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन इज रिफ्लेक्टेड इन द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का इंसाइडर या उस इंसाइडर का रिश्तेदार अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स हैवी क्वांटिटी में बाय कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, भले वो ये काम सीक्रेटिवली कर रहा है, किसी को नहीं पता है इस बारे में, पर स्टॉक का प्राइस रिएक्ट जरूर करेगा, वो ऊपर जाएगा क्योंकि इसने हैवी क्वांटिटी में बाय किया है। तो इस तरह एक टेक्निकल एनालिस्ट को न्यूज या रिजल्ट आने से पहले ही पता लग जाएगा दैट दिस इज अ गुड बाय। दोस्तों, मार्केट ट्रेंड में मूव करती है, जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इसको प्राइमरी ट्रेंड या मेजर ट्रेंड भी कहा जाता है। अगर एक साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड पे कोई भी स्टॉक ऊपर ही जा रहा है और 20% से ज्यादा बढ़ चुका है तो वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, और वैसे ही अगर कोई स्टॉक लंबे टाइम से गिर रहा है और 20% से ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है तो उस स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है। अगर स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो जरूरी नहीं है कि वो एवरी वीक ऊपर ही जाता रहेगा, बीच बीच में स्टॉक में थोड़े थोड़े करेक्शंस भी आते रहेंगे, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं उसे सेकेंडरी ट्रेंड्स कहते हैं, जो कुछ वीक्स के लिए रहते हैं। उसके बाद आता है माइनर ट्रेंड, ये रोज के स्टॉक प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को डिक्टेट करता है। जैसे कि अगर स्टॉक का सेकेंडरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक रोज ही गिरेगा, किसी दिन स्टॉक ग्रीन में भी बंद हो सकता है। तो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे माइनर ट्रेंड्स कहते हैं। दोस्तों, हमने अभी तीन ट्रेंड्स के बारे में जाना, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। मैं आपको अभी चार्ट्स पे भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी स्क्रीन पे अभी देखेंगे तो मैंने TCS का डेली चार्ट ओपन कर रखा है, जो कि पिछले एक साल का ये मुझे TCS का चार्ट दिखा रहा है। अब आप देखेंगे तो पिछले एक साल में TCS का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये स्टॉक आप देखेंगे ऊपर ही आ रहा है, तो इसका प्राइमरी ट्रेंड हुआ अप ट्रेंड। पर अगर आप फिर बीच बीच में देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे करेक्शंस भी आए थे, जैसे कि ये एक, ये यहाँ पर, तो ये जो बीच में आप छोटे छोटे करेक्शंस देख रहे हैं जहाँ पे स्टॉक नीचे आया था कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड जहाँ पे कुछ वीक्स के लिए स्टॉक नीचे आया बट फिर वापस ऊपर चला जाता। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करूँ तो हम देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी ट्रेंड्स के बीच में भी कुछ ऐसे दिन है जहाँ पे स्टॉक ऊपर भी जाता है। सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, पर आप देखेंगे ये स्टॉक दो दिन जैसे ग्रीन में बंद हुआ, ये सेकेंडरी ट्रेंड में आप देखेंगे ये ग्रीन में बंद हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ दिन ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये सेकेंडरी ट्रेंड्स के बीच में जो माइनर फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे हम कहते हैं माइनर ट्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, पर सेकेंडरी ट्रेंड
कुछ जो वीक्स या कुछ दिनों के लिए लास्ट करता है और उसके अंदर जो होता है वो माइनर ट्रेंड्स कहते हैं। मेजर ट्रेंड हैज थ्री फेजेस। ये तीन फेजेस हैं, अक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैं आपको पहले तीनों की डेफिनेशन बता देता हूं, फिर चार्ट्स पे भी एक रियल एग्जांपल दिखा दूंगा। एक्यूमुलेशन फेज में बड़े इन्वेस्टर्स और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आके स्टॉक को खरीदते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और हर जगह बैड न्यूज फैली होती है, उस टाइम पे आके ये इन्वेस्टर्स स्टॉक को खरीद लेते हैं, इसे कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। अब आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। ज्यादातर पब्लिक, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस दौरान स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और न्यूज भी अच्छी आना शुरू हो जाती है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक यूफोरिया सा माहौल बन जाता है। टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, हर जगह सुपर बुलिश न्यूज दिखाई जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि अब तो बस मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा और कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है मार्केट में और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस फेज में आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इस फेज में जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें बड़े इन्वेस्टर या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर भी कहा जाता है, जिन्होंने अक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक को खरीदा होता है, वो लोग इस फेज में धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेच रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आइए चार्ट्स में इसे समझ लेते हैं। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है, डेली चार्ट, और इसमें आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने, बिटकॉइन ने 17-18 दिसंबर को पीक किया था 2017 में। मेरा माउस पॉइंटर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली नीचे आता गया और अभी हम आ जाते हैं इस फेज में। 25 नवंबर से लेके 26, 27, 28 मार्च 2019, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। आप देखेंगे कि इतना नीचे आने के बाद बिटकॉइन यहां पे इस फेज में आके रुक गया है और ये एक साइडवेज मूवमेंट में है, एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो इस फेज में जब मार्केट इतना, बिटकॉइन का मार्केट इतना नीचे गिर चुका है, जब सब अपना पैसा गवा चुके हैं और हर जगह बैड न्यूज फैली हुई थी कि यार इतना सारा बिटकॉइन नीचे गिर चुका है, अब क्या होगा इसका, तो इस दौरान बड़े इन्वेस्टर्स, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आके इसको बाय किए, जो कि इसे एक अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। ये एक स्टॉक एक रेंज में है, तो बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक को, बिटकॉइन को इस रेंज में इन्होंने अक्यूमुलेट किया और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ। तो फिर इस दौरान, इस फेज में आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जबकि बिटकॉइन बढ़ने लगा तो इसकी न्यूज़ भी थोड़ी बहुत अच्छी होने लगी, तो इस फेज में पब्लिक भी पार्टिसिपेट करने लगी। फिर धीरे धीरे बिटकॉइन वापस इतना ऊपर चला गया तो कि फिर इतने पॉजिटिव, इतने बुलिश न्यूज आने लगे कि सब इसमें आने लगे, रिटेल इन्वेस्टर्स सब। आप देख भी सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी कितना बढ़ चुका है इस टाइम फ्रेम में। वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं वॉल्यूम। तो इस दौरान वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स आके जो हर जगह बुलिश न्यूज देख के इसको खरीदते हैं कि ये तो अब बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा सोचते हैं। उस दौरान यहाँ पे जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ने खरीदा होता है बिटकॉइन, वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये वॉल्यूम इतना हाई दिखेगा, तो जब रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है तो सामने बेचने के लिए भी कोई चाहिए, तो वो होते हैं ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है और उनको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन एक रेंज में रहता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते रहते हैं, उनको लगता है बहुत ऊपर जाएगा, और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स बेच रहे होते हैं। थोड़ा टाइम ये सब चलता है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये वापस नीचे आ जाता है, जहाँ पे था वहीं पे आ गया। तो ये तीन फेजेस हमने जाने, ये एक्यूमुलेशन फेज जहाँ पे मार्केट या बिटकॉइन का मार्केट गिरने के बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो खरीदते हैं, ये हो गया। ये जब ऊपर जा रहा होता है तो हाफ वे पे आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जहाँ पे न्यूज़ थोड़ी अच्छी होने लगती है और इनको लगता है कि ये ऊपर जाएगा,
और आखिरी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स सब न्यूज देख के जो ट्रेडिंग करते हैं वो खरीदते हैं, बड़े लोग बेचते हैं, और उसके बाद ये गिर जाता है बिटकॉइन। द एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। चार्ल्स टाउ यहां पर इंडस्ट्रियल एवरेज और रियल एवरेज का जिक्र कर रहे हैं, वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दोस्तों एवरेज मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। अगर मैं आपको इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो उस वक्त बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एवरेजेस या दोनों इंडेक्सेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो ही ये एक रियल अप ट्रेंड कहलाएगा। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड एक अप ट्रेंड है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए जब प्राइस इंक्रीज होता है तो, और वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए अगर प्राइस नीचे आता है तो, फिर ये एक रियल अप ट्रेंड कहलाएगा। वैसे ही अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है तो जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तब वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तब ही ये एक रियल डाउन ट्रेंड कहलाएगा। ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल देयर इज अ क्लियर रिवर्सल। चार्ल्स डाउ कहते हैं कि लोग अक्सर सेकेंडरी ट्रेंड्स को ट्रेंड रिवर्सल समझ बैठते हैं। अगर प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है और स्टॉक या मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है तो वो सेकेंडरी ट्रेंड होता है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल। लोग इसे रिवर्सल समझ बैठते हैं और गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। दोस्तों एक कहावत है, ट्रेंड लास्ट्स लॉन्गर देन यू थिंक। इसीलिए जब आपको क्लियर रिवर्सल के साइंस नहीं मिलते हैं तब तक यही मान के चलिए कि मार्केट अभी भी अपने मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और मार्केट में ये एक सिर्फ छोटा सा करेक्शन है, ये एक सेकेंडरी ट्रेंड है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स से मिल सकते हैं, आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका कोई सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। थैंक यू।